इलेवेंथ फिजिक्स में चैप्टर 9 के अंदर आज बात करेंगे प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा की, मतलब तार को खींचने में किए गए कार्य की। ये चैप्टर 9 है ठोसों के यांत्रिक गुण प्रत्यास्थता, और ये हमारा इसका नवा वीडियो है जो बिल्कुल क्रम से चल रहा है। तार को खींचने में किया गया कार्य जिसे हम प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा भी कहते हैं। तो चलिए, क्या होती है कि जब भी हम किसी तार को खींचते हैं तो क्या करते हैं, विरूपक बल द्वारा उस पर कार्य किया जाता है, यही होता है ना। जब भी हम तार को खींचते हैं तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये तार है, इसको आप खींचते हैं तो इस विरूपक बल द्वारा इस पर क्या किया जाता है, कार्य किया जाता है। और ये जो कार्य होता है ये इस तार में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो तार को खींचने में जो कार्य होता है वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, और इसे ही तार की क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब इसकी इसका व्यंजक या इसका मान हमको निकालना है। तो ये तार के बारे में जो डिस्क्रिप्शन है या जो बातें हैं वो हम बता देते हैं कि तार है, प्रारंभिक लंबाई कैपिटल एल है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है, और तार के पदार्थ का जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक या यंग मापांक जिसको कहते हैं, यंग गुणांक जिसको कहते हैं, प्रत्यास्थता लिखना जरूरी नहीं है, तो यंग गुणांक जो है वो कैपिटल वाई है। अब ये सब बातें हम पिछले वीडियोस में बहुत विस्तार से प्रतिबल विकृति वगैरह सभी के बारे में कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं बहुत सारी बातें स्पष्ट करते हुए चलूंगा। तो चलिए, प्रारंभिक लंबाई कैपिटल एल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल ए, और तार का जो यंग गुणांक है वो कैपिटल वाई है। अब क्या करते हैं, इस पर एफ विरूपक बल लगाया है। विरूपक बल लगाने के बाद क्या हुआ, लंबाई जो है वो एल प्लस डेल्टा एल हो गई, मतलब लंबाई में डेल्टा एल की वृद्धि हुई। लेकिन यहाँ एक बड़ी मज़ेदार बात हमें समझना होगी कि जो ये लंबाई में वृद्धि हुई है, तो शुरू शुरू में क्या हुआ कि जब आपने विरूपक बल आरोपित किया तो उस बल का मान तो शून्य होगा, फिर धीरे धीरे विरूपक बल को बढ़ाया होगा, तो पूरी जो लंबाई में वृद्धि डेल्टा एल हुई, उस लंबाई में वृद्धि डेल्टा एल होने के दौरान तार पर जो लगने वाला माध्य बल था वो कितना था, शुरू में बल कितना था, जीरो, आखिरी में बल कितना हुआ, एफ। तो माध्य बल हुआ जीरो धन एफ बटे दो, मतलब क्या हुआ ये, एफ बटे दो। तो तार की लंबाई में डेल्टा एल वृद्धि होने पर तार पर लगने वाला जो माध्य बल है वो एफ बटे दो है। वास्तव में क्या, आपको तार को खींचने में किए गए कार्य की गणना करना है, तो जब आपको कार्य की गणना करना पड़ेगी तो आपको पता है कि ये माध्य बल में जो है वो बल गुणित दूरी होता है कार्य, तो माध्य बल में आपको लंबाई में वृद्धि का क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। अब लंबाई में वृद्धि कितनी हुई है, डेल्टा एल, माध्य बल आपने कितना निकाल लिया, एफ बटे दो। तो इस तार को खींचने में जो किया गया कार्य है वो क्या होगा, माध्य बल और लंबाई में वृद्धि का गुणा। अब माध्य बल कितना है, एफ बटे दो है, और लंबाई में वृद्धि कितनी है, डेल्टा एल है, तो ये डब्ल्यू हो गया आपका एफ बटे दो गुणा डेल्टा एल। और यही क्या है तार की, क्या कहते हैं इसको, प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा, और इसको यू से व्यक्त करते हैं, ये हो गया एफ बटे दो गुणा डेल्टा एल। तो ये हो गया तार की प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा। चलिए अब मैं इसको प्रतिबल विकृति के रूप में लाता हूँ। देखिए, ये एक आंसर हो गया है, तार की प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा का व्यंजक निकल चुका है, लेकिन इसको प्रतिबल विकृति और यंग मापांक के पदों में लाना है। तो चलिए, अब ये बात तो आपको समझ में आ गई, मैं इसको हटा देता हूँ, तो मैंने इसको हटा दिया। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ देखिए बल है लेकिन क्षेत्रफल नहीं है तो प्रतिबल नहीं आएगा, यहाँ लंबाई में परिवर्तन है लेकिन प्रारंभिक लंबाई नहीं है तो फिर विकृति नहीं आएगी। तो ऐसे में क्या करना चाहिए कि ए और एल, जो प्रारंभिक लंबाई है कैपिटल एल और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कौन है, कैपिटल ए, तो ए एल हमको यहाँ चाहिएगा। तो हम क्या करेंगे, ए एल का गुणा और ए एल का क्या कर दें, भाग देने पर, गुणा भाग कर दीजिए, ऊपर कर सकते हैं हमेशा। तो क्या हुआ, देखिए आप, एफ बटा दो गुणा डेल्टा एल ये हो रहा, और ये ए एल का गुणा और ए एल का क्या कर दिया, भाग कर दिया। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ आप देखते हैं कि जो प्रतिबल है वो होता है एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रत्यानयन बल, तो यह हो गया एफ बटे, ये हो गया प्रतिबल, ठीक है। और विकृति क्या होता है, लंबाई में परिवर्तन और प्रारंभिक लंबाई का अनुपात, तो ये हो गया विकृति, डेल एल अपान एल। तो यहाँ आप एफ बटे ए की जगह लिख देंगे प्रतिबल, डेल एल अपान एल की जगह लिख देंगे विकृति। और ए एल क्या है, देखिए ये क्षेत्रफल और ये लंबाई, तो क्षेत्रफल और लंबाई का गुणा क्या हो गया, आयतन हो गया, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई होता है ना आयतन, तो यहाँ आपका एक लंबाई गुणित चौड़ाई या लंबाई गुणित ऊंचाई तो क्षेत्रफल बन गया, तो एक आपका बचा, एक बीमा आपकी बची, उसका गुणा करेंगे तो ये आयतन हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब ए एल का मतलब हो गया आयतन। तो फिर ऐसे में जो है, अब आप ये क्या लिख पा रहे हैं, देखिए इसको एफ बटे ए की जगह क्या लिख दिया आपने, प्रतिबल, तो ये हो गया प्रतिबल, डेल एल अपान एल की जगह विकृति, ये विकृति हो गया, बटे दो है ही, और ए एल की जगह आपने लिख दिया आयतन, क्षेत्रफल गुणित लंबाई, ये आपका हो गया आयतन।
अब ये आपका प्रतिबल, विकृति और आयतन के पदों में क्या हो गई, तार की प्रत्यास्थ स्थिति जुड़ जा हो गई। अगर आपको तार के एकांक आयतन की प्रत्यास्थ स्थिति जुड़ जा निकालना है तो आयतन का भाग लगा दीजिए, क्योंकि ये पूरे आयतन की प्रत्यास्थ स्थिति जुड़ जाए। अगर आपको एकांक आयतन की निकालना है तो ये जो भी आयतन है इसका इसमें भाग लगेगा, तो आयतन कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आपका बच जाएगा प्रतिबल गुणा विकृति बटे दो। ये तार के एकांक आयतन की प्रत्यास्थ स्थिति जुड़ जा का व्यंजक है। अगर आप इसको यंग मापांक के पदों में ले जाना चाहते हैं तो वो भी कर लेते हैं। तो देखिए, ये जो आंसर हमने निकाला है तार के पदार्थ की, जो तार की स्थिति जुड़ जा का, वो है प्रतिबल गुणा विकृति बटे दो, मतलब तार को खींचने में किया गए कार्य का व्यंजक है। अगर आप इसको यंग मापांक के पदों में ले जाना चाहते हैं तो देखिए, हम जो जानते हैं वो बात क्या है कि तार के पदार्थ का जो यंग मापांक या यंग प्रत्यास्थता गुणांक होता है वो प्रतिबल बटे विकृति होता है, अनुधेय प्रतिबल और अनुधेय विकृति का अनुपात। और अभी हमने अनुधेय प्रतिबल और विकृति का ही अध्ययन किया है। तो अब अगर यहाँ से आप चाहते हैं, देखिए यहाँ हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, एक बार प्रतिबल का मान रख दें, एक बार विकृति का रख दें इस सूत्र से, ठीक है ना। तो अगर आप प्रतिबल का रखना चाहेंगे तो क्या होगा, ये देखिए, अगर आप प्रतिबल का रखना चाहते हैं तो ये यंग मापांक गुणा विकृति हो जाएगा। देखिए तो यहाँ प्रतिबल की जगह आप लिख सकते हैं यंग मापांक गुणा विकृति। अब दूसरी बार क्या कर सकते हैं आप, यहाँ से आप विकृति का मान लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ विकृति लिखिए, यहाँ विकृति का मान रख सकते हैं, तो यहाँ से विकृति निकाल लीजिए दूसरी बार। तो देखिए विकृति क्या होगा, ये हो जाएगा, देखिए विकृति यहाँ चला गया और यंग मापांक यहाँ आ गया, तो ये हो गया प्रतिबल बटे यंग मापांक। तो एक बार इस फार्मूला में आप प्रतिबल का मान लिख दीजिए और एक बार इस फार्मूला में आप विकृति का मान लिख दीजिए, और किससे लिखेंगे आप, यंग मापांक के पदों में। तो हमें पता होना चाहिए कि यंग मापांक प्रतिबल बटे विकृति होता है। तो चलिए अब यहाँ एक बार प्रतिबल का मान रख दीजिए और एक बार विकृति का, रखना शुरू करें। आइए तो देखिए, अब यहाँ से देखिए ये U का क्या फार्मूला है, प्रतिबल गुणा विकृति बटे दो, प्रतिबल का मान भरेंगे। ये फार्मूला मैंने डबल यहाँ लिखा है, अब प्रतिबल का मान भर दीजिए। क्या लिखोगे प्रतिबल की जगह, यंग मापांक गुणा विकृति, ठीक है ना। तो ये प्रतिबल की जगह लिखेंगे यंग मापांक गुणा विकृति, लिख दीजिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा यंग मापांक गुणा विकृति। और ये विकृति है ही, और ये दो चल रहा है, ये विकृति का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका जो यू का मान है, या यूं कहें कि जो प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा है, वो हो जाएगा यंग मापांक गुणा विकृति का स्क्वायर बटे दो, ठीक है। अब देखिए यहां किसका मान रखना है आपको, तो यहां आप देख लीजिए ये प्रतिबल गुणा विकृति बटे दो है, ये वाला सूत्र वापस से यहां लिख लिया जैसा यहां लिखा था। अब यहां विकृति का मान रखना है प्रतिबल बटे यंग मापांक, ये विकृति की जगह लिख दीजिए प्रतिबल बटे यंग मापांक। तो लिखा आपने, तो प्रतिबल गुणा विकृति जगह लिखा प्रतिबल बटे यंग मापांक। अब देखिए ये प्रतिबल और प्रतिबल का गुणा हो गया प्रतिबल का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका जो प्रत्यास्थ स्थिति जुड़ जाए, हो जाएगा प्रतिबल का स्क्वायर बटे दो गुणा यंग मापांक। तो ये तीन फार्मूला है, एक U इज इक्वल टू प्रतिबल गुणा विकृति बटे दो, U इज इक्वल टू यंग मापांक गुणा विकृति का स्क्वायर बटे दो, और U इज इक्वल टू प्रतिबल का स्क्वायर बटे दो गुणा यंग मापांक। ये तार के पदार्थ की, तार को खींचने में किया गया कार्य, उसकी प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा का व्यंजक है। धन्यवाद।